हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका क्लास 9 से 12 तक का सिलेबस आ चुका है और फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का दोनों सिलेबस है। अभी कुछ देर पहले एक सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में या डिफरेंट सोशल मीडियाज पे वो रोटेट कर रहा था, घूम रहा था। तो अभी आपका राइट नाउ आपका सिलेबस जो है जेसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया जा चुका है, फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का। बट अभी तक यह क्लियर नहीं है कि क्या फर्स्ट टर्म में केवल ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो हम लोग अभी जब तक यह क्लियर नहीं हो पाता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। और क्योंकि अगर सब्जेक्टिव भी रहता है तो उसमें भी शॉर्ट आंसर आपको पढ़ना ही है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है तब भी आप को केवल शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो है वेरी शॉर्ट वो आपको पढ़ना है, अति लघु उत्तरीय। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको 2022 यानी 2022-2023 एकेडमिक के लिए अब यहाँ से आपको अगर मॉडल सेट्स आएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कराया जाएगा। तो बने रहिए आप इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं 9 से 12 का सिलेबस। तो इस बार का सिलेबस जो है कुछ पार्ट्स जो है नियर अबाउट सीरियल वाइज से ही दिया हुआ है कि कुछ पार्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म में और कुछ पार्ट आपको पढ़ना है सेकेंड टर्म में। ये आपका क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस है। आप इसको देखेंगे तो इसमें काव्य खंड है, कबीर है, शखिया असवद है, वाघ है, सवैया है, माखनलाल चतुर्वेदी। कहने का मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो सीरियल वाइज से आपका जो चैप्टर है वो पढ़ना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो आपको सेकेंड टर्म में आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिंक, ये PDF है, आपको PDF भी उपलब्ध कराया जा सकता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाए देजू क्लासेस पर, और वहाँ पे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कृतिका का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी पार्ट वन और पार्ट टू में क्या पढ़ना है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार के सिलेबस में जो ग्रामर सेक्शन है ना, तो वो अच्छे तरीके से इसमें किया गया है फर्स्ट टर्म में। और ख़ास करके इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें जो ग्रामेटिकली या फिर जो जो पैटर्न बताया गया है या फिर जो सिलेबस आपका बनाया गया है, दैट इज़ रियली गुड। तो यहाँ पे आप सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। और ये हिंदी बी है, आई थिंक बहुत कम बच्चे जो हैं वो हिंदी बी लेते हैं, सब हिंदी कोर ही ले लेते हैं। और ये क्या है, संस्कृत का सिलेबस है। उसके बाद क्लास 9th का सिलेबस चल रहा है। क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए। आपका नंबर सिस्टम पहला जो है संख्या पद्धति, दूसरा पॉलिनोमियल यानी बहुपद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों का रैखिक समीकरण जो है वो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय जो है वो देख लेना है, लाइन्स एंड एंगल्स है ना, रेखाएं और कोण जो है उसको देख लेना है, और सर्कल्स यानी वृत्त उसको देख लेना है। ये आपका टर्म वन में रहेगा। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नवंबर और दिसंबर फर्स्ट मिड में होगा। और यहाँ पे सिलेबस टर्म टू का दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स है ना, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर क्या है ट्राइंगल्स यानी आपका हो गया त्रिभुज, फिर क्या है कंस्ट्रक्शंस रचनाएं, हीरोज फॉर्मूला, हीरो का सूत्र जो है, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, फिर आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है। ये आपका टर्म टू में पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में आप देखोगे मतलब साइंस का सेक्शन देखोगे तो साइंस में तीन पार्ट में है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जिसमें से फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, गति बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण,
ये आपका पार्ट वन में यानी सिलेबस टर्म वन में पढ़ना है। टर्म टू में कार्य तथा ऊर्जा ध्वनि, ये दोनों पढ़ना है केमिस्ट्री का, यानी पहला और दूसरा चैप्टर आपको टर्म वन में पढ़ना है। मैटर अराउंड अस यानी हमारे आसपास के पदार्थ, और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दोनों आपको टर्म वन में पढ़ना है। और चैप्टर थ्री और फोर जो केमिस्ट्री का है वो आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। बायोलॉजी का पहला और दूसरा जो है जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक जो है वो आपको टर्म वन में पढ़ना है। और टर्म टू में जीवों की विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा। जो लास्ट चैप्टर है बायो का वो आपको, यानी साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है, वो आपको ना तो आपको टर्म वन में पढ़ना है ना तो टर्म टू में पढ़ना है, क्लियर है। फिर हिस्ट्री का सिलेबस है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये टर्म वन में है। टर्म टू में नाजीवाद और हिटलर का उदय, वन समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। फिर सिविक्स में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और संविधान निर्माण, और टर्म टू में चुनावी राजनीति, ठीक है। आप इसको देखते जाएं, मैं इसको रोल कर दे रहा हूँ। जियोग्राफी 1, 2, 3 पढ़ लेना है, फिर नेक्स्ट का जो बचा हुआ है वो टर्म टू में पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स में पहला दूसरा पढ़ लेना है, और तीसरा निर्धनता एक चुनौती, और भारत में खाद्य सुरक्षा, ये आपको टर्म टू में पढ़ लेना है, ठीक है। ये कॉमर्स का है सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस देखिए आपका, ये भी आपको पढ़ लेना है। मैं इसको रोल कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे। और सबसे अच्छा यही है, अनसीन पैसेजेस, सीन पैसेजेस, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है इस पर, पैराग्राफ राइटिंग्स, टेंस, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमें अच्छा लगा कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इधर, पैराग्राफ राइटिंग, ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लॉज भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पे। फिर प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिवीजन ऑफ टेंस भी कर लेना है, जो आपका टर्म वन में था, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या करना है ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको ये सारे चीज़, यानी मॉडल्स भी पढ़ सकते हैं, डिटरमाइनर्स भी आपको पढ़ लेना है, जो है टर्म वन में है वो उसका रिवीजन यानी टर्म टू में भी करना है, यानी इसमें भी आपका दे सकता है, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है ये आपका दिया हुआ है। क्लास 10th में देखिए ये हिंदी का है ना, मैं इसको धीरे धीरे रोल कर दे रहा हूँ, आप इसको आराम से देख लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। और वैसे आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इसका पीडीएफ। फिर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स आपको पढ़ना है। टर्म वन का सिलेबस रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब वास्तविक संख्याएं हो गए, बहुपद हो गया, ठीक है। और का जो रैखिक समीकरण है वो रैखिक समीकरण युग्म। फिर आपको समांतर श्रेणियां पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसके बीच में आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण, वो आपको टर्म टू में पढ़ना है, ठीक है। ट्राइंगल्स है, सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपको पढ़ना है टर्म वन में। और टर्म टू का भी यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति दोनों पढ़ लेना है। हाँ, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आप देख लेंगे। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, टर्म टू में विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, ये आपका टर्म वन में पढ़ना है। टर्म टू में कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। टर्म टू में नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी का है सिलेबस, आप इसको देख लेंगे, है ना। फिर इंग्लिश का सिलेबस है, ये भी आप इसको देख लेंगे। सबसे अच्छा हमें ये पोर्शन लगा इसका, कन्वर्सेशन जो है, डायलॉग, डिस्कशन, अ डिस्कोर्स इन पीयर पीयर मोड एंड विद द टीचर्स ऑन वेरियस थीम्स, ये आपको करना है यहाँ पे, है ना, ये एग्जाम्स में। ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव टॉक, ये भी मतलब ये बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है क्लास 10th में ड्यूरिंग द रीडिंग एग्जाम्स में, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। अब उसमें रोल प्ले तो होगा नहीं, है ना, कन्वर्सेशन तो डायलॉग ये देगा नहीं, लेकिन आपको ये सिलेबस क्या है कि आपको ये पढ़ना है, करना है, ठीक है। एग्जाम्स में किस किस सेक्शन से आएंगे, तो ग्रामर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, वॉइस हो गया,
लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको कर लेना है, ये आपका सिलेबस है ये क्लास टेंथ का। क्लास इलेवेंथ का आप देखोगे तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, सारे सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। मैथ्स में हम लोग देख लेते हैं, मैथ में क्या क्या है। सेट्स आपको पढ़ लेना है फर्स्ट टर्म में, रिलेशन फंक्शन फर्स्ट टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फर्स्ट टर्म में, परमुटेशन कम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल्स थ्योरम, ये आपको टर्म वन में पढ़ लेना है। टर्म टू में मैथमेटिकल इंडक्शन MI का प्रिंसिपल पढ़ लेना है, सिक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शंस, आपको तीनों या डिवीजन नहीं है तो कॉनिक सेक्शन तीनों आपको पढ़ लेना है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D ये भी है, फिर प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपका टर्म टू में पढ़ना है। और ये सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको टर्म वन में पढ़ना है। फिजिक्स में आपको फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन काइनेमेटिक्स का सारा पोर्शन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, ठीक है। तो रोटेशनल डायनामिक्स भी आपको पढ़ लेना है यहीं पे टर्म वन में ही। टर्म टू में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सॉलिड्स, ये दोनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है सॉलिड्स और फ्लूइड का। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी का जो चैप्टर है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी आपको पढ़ लेना है टर्म टू में। केमिस्ट्री में क्या क्या है, सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। और सेकेंड टर्म में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, चैप्टर 5 जो है नेक्स्ट। और थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, 35-35 का दिया हुआ है केमिस्ट्री में, मार्क्स भी आई थिंक सो दिया है क्या। और बायोलॉजी का पोर्शन है ये भी आप देख लोगे कौन कौन सा है आपको, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एनिमल किंगडम दोनों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ लेना है। और टर्म टू में बायोमोलिकुल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ठीक है, ये आपका है। फिर यहाँ पे आपका हिस्ट्री का भी है, जियोग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, सारा ये रोल करते रहे आराम से, आप इसको पॉज करके देख लेंगे, आपका आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आप देख लेंगे, आपका सिलेबस। नाउ कम टू द क्लास 12th, क्लास 12th में है, हिंदी का सिलेबस है, मैं केवल रोल कर देता हूँ, मैथ्स का सिलेबस देख लेता हूँ, फिजिक्स का देख लेता हूँ और केमिस्ट्री का, जो यहाँ से जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कराए जाएंगे। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कुल मिलाकर के पार्ट वन का जो बुक बुक पहला है वो है टर्म वन में। टर्म टू में आपका सेकेंड बुक पढ़ लेना है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टैटिस्टिक्स का पूरा पार्ट पढ़ लेना है, फिर मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ लेना है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब सीधी सी बात, पार्ट वन का बुक टर्म वन में, पार्ट टू जो बुक है वो टर्म टू में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आई थिंक सो वही है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वो तो सरफेस केमिस्ट्री का ही है पोर्शन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये है बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये आपको टर्म टू में पढ़ लेना है। बायोलॉजी का है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और टर्म टू में क्या है, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सॉल्यूशंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक मिनट कहाँ चला गया। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम सॉल्यूशंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये आपको पढ़ लेना है। हिस्ट्री में ये सिलेबस है, आप इसको देख लेंगे। और जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं और आप इसको देख लेंगे। हम रोल करते रहे, आप इसको पॉज करके आराम से उसको देख लेंगे। तो ये थे क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस, और आई थिंक आप उसको देखें और अभी से ही तैयारी में जुट जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।